ग्रोमोर के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे NIAM जयपुर, जिसका पूरा नाम चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है। ठीक है, अगर आप BSc AG कर चुके हैं, आगे आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। यह यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी के लिस्ट में आता है। इस वीडियो में आपको बताया गया है कि आप किस तरह से यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल फ़ी क्या रहेगा, टोटल फ़ी कितना लगेगा आपको यहाँ, और इसका प्लेसमेंट क्या रहेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया गया है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कोर्स के बारे में। तो यह कोर्स 2 साल का होता है, आप सभी को मालूम होगा, और यह कोर्स ट्राइमास्टर बेसिस पे होता है। कहने का मतलब 3-3 महीने का होता है। टोटल जो ट्राइमास्टर रहेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 7 ट्राइमास्टर हैं। ठीक है, ये स्क्रीन पर आपको देखा, टोटल 7 ट्राइमास्टर हैं। और किस तरह कोर्स रहेगा यह सारी जानकारी यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसका प्रोस्पेक्टस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी है, इसमें लिखा हुआ है कि आप BSc बैचलर डिग्री कोर्स आप किसी भी एग्रीकल्चर साइंस में या उसके अलाइड सब्जेक्ट में किए हुए हैं, तो आपका 50% मार्क्स जनरल के लिए और 45% मार्क्स कैटेगरी वालों के लिए अनिवार्य है। कहने का मतलब कि आप BSc AG हो या HOTI हो या PhD हो, कोई भी कोर्स किए हुए हैं तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप BSc AG ना भी किए हों, उसके अलावा आप बैचलर डिग्री आपका किसी भी कोर्स में हो, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर डिग्री किसी भी कोर्स में हो, चाहे ह्यूमनिटीज में हो, सोशल साइंस में हो, इंजीनियरिंग में हो, प्योर साइंस में, किसी में हम भी हो, उसमें आपका 50% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट होने चाहिए CGPA के, और 45% मार्क्स कैटेगरी वालों के लिए ये होना चाहिए। कहने का मतलब आप किसी भी कैटेगरी से हैं, मतलब सॉरी आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं यहाँ। उसके आगे बात करेंगे सेकेंड, देखिए द कैंडिडेट मस्ट हैव ए वैलिड स्कोर ऑफ कैट 2020। कहने का मतलब यहाँ आपका कैट के स्कोर पे सिलेक्शन होता है। कैट आपको मालूम होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि MBA कोर्स के लिए होता है, तो उसमें आपको उस एग्जाम में आपको बैठना पड़ेगा। उसके बाद एक और होता है CMAT, जो कि NTA के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो आपको CAT और CMAT के स्कोर पर यहाँ आपका एडमिशन होता है। उसके आगे आप देख सकते हैं रिजर्वेशन जो रहेगा, अगला जो पॉइंट है, रिजर्वेशन जो रहेगा वो गवर्नमेंट के द्वारा रहेगा, जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है। अगर आपका लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर में अगर आप हैं, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 31 अगस्त 2021, मतलब किसी भी जिस सेशन में आप अप्लाई करेंगे उसके अगस्त महीना में 31 तक आपको आपके फाइनल जो भी ईयर का सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट होगा, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ कोई भी रिफंड नहीं होगा। ठीक है, किसी भी तरह का रिफंड आपका यहाँ पे नहीं हो सकता है। उसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। आपको मैंने बताया कि यहाँ पे CAT और CMAT दोनों स्कोर पर होता है। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये मल्टी लेवल स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ है। इसके आगे आप यहाँ देख सकते हैं मेरिट जो लेवल होगा जिसके लिए बुलाया जाएगा आपको, वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा CAT और CMAT के स्कोर पे। जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उनको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर मैटर करता है। CAT स्कोर किस तरह से मैटर करेगा, जो कैंडिडेट का CAT स्कोर होगा और जो बच्चे अप्लाई करेंगे जो हाईएस्ट CAT स्कोर रहेगा वो ×51, ठीक है, टोटल 51 CAT का स्कोर है। और CMAT का जो रहेगा कैंडिडेट का CMAT स्कोर हाईएस्ट और 34। कहने का मतलब है कि टोटल CAT का जो स्कोर रहेगा 51 रहेगा और CMAT का जो रहेगा 34 रहेगा। उसके आगे आपका जो भी स्ट्रीम रहेगा वो उस पर भी आपको वेटेज मिलेगा, जो डाइवर्सिटी फैक्टर को मैटर करता है। अगर आप एग्रीकल्चर से किए हुए हैं ग्रेजुएशन या उसके अलायर सब्जेक्ट से, तो आपको टोटल 6 पॉइंट मिलेंगे, यहाँ देख सकते हैं 6 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ह्यूमनिटीज से, इकोनॉमिक्स से, कॉमर्स से किए हुए हैं, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा, 2 मार्क्स वेटेज में। और अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री से किए हुए हैं, मैथ से ग्रेजुएशन, तो आपको 0 मार्क्स, यहाँ आपको किसी तरह का वेटेज नहीं मिलेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है पैरामीटर, देखिए किस तरह से वेटेज है। अगर CAT CMAT है तो CAT का 51, CMAT का 34, और डाइवर्सिटी फैक्टर टोटल 6 मार्क्स का है,
ठीक है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा आपका 12 मार्क्स का, पीआई पर्सनल इंटरव्यू होगा 26 मार्क्स का, और वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मिलता है नंबर, तो टोटल 5 मार्क्स का है, मतलब टोटल 100 नंबर आते हैं, ठीक है। 100 नंबर में आपको किस तरह से नंबर आएगा वो आप पे मैटर करता है, आपका सी ए टी स्कोर के मैटर करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका किस तरह से वेटेज मिलेगा आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आप 6 महीने से 1 साल 1 महीने के बीच में है, सॉरी 6 महीना से 1 साल के बीच में है, तो वेटेज आपका 1 पॉइंट मिलेगा। अगर 1 से डेढ़ ईयर के बीच में तो 1.5, डेढ़ से 2 ईयर के बीच में 2 पॉइंट, 2 से 3 के बीच में 3, और 3 से ज़्यादा है तो 3.5। कहने का मतलब है कि हर साल 1 साल पर आपको 0.5 मार्क्स मिलता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये था आपका अप्लीकेशन प्रोसेस, आपका क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए और आपका क्या वेटेज रहेगा उसके हिसाब से। इसके आगे आप देख सकते हैं जो अप्लीकेशन फॉर्म है उसका, जो अप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी होता है वो 1200 रुपया होता है, और जो कैटेगरी हो जिनका होगा उनके लिए 600 रुपया, ठीक है। इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए ये पूरा फ़ी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ब्रेकअप करके बताया गया है, लेकिन मैं आपको टोटल एक बता देता हूँ फिर कि आपका 2 साल में कितना लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल फ़ी ऑफ 2 ईयर PGDM ABM प्रोग्राम, जो ट्यूशन फ़ी रहेगा टोटल 2 साल का आपका 3,20,000 लगेगा, और आपका जो हॉस्टल और लॉजिंग रहेगा वो 2,70,000 लगेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अदर जो चार्जेस रहेगा वो 86,000 लगेगा 2 साल का, तो टोटल जो आपका जो होता है 2 साल का पैकेज 6,76,000 रुपये आपको यहाँ देना होगा। आप प्लेसमेंट का देख सकते हैं, यहाँ पर इतने सारे कंपनी आते हैं प्लेसमेंट के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का प्लेसमेंट कितना बढ़िया होगा। तो आई होप कि NIM से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।